Hello again. Hello. तो पिछली बार तूने मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ समझाई एक कि हमारा सन एक स्टार है. Although it sounds very obvious, I didn't really think about it like that ever. मतलब मैं ना सन को एक अलग ही चीज़ समझता था, और जब कोई बोलता था तारे तो मेरे दिमाग में आते थे तारे, मतलब वही जो दूर नजर आ रहे हैं, दूर नजर आते हैं, टिमटिमाते हैं. पर मुझे तेरी बात की सन एक स्टार है, एक भट्टी है जो जल रही है, उसके अंदर कंटिन्यूसली फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, वो बात ना मुझे बड़ी गहरी तरीके से समझ में आई. मतलब वैसे तो कहने को बात बड़ी ऑब्वियस सी है, तो हो क्या रहा है पिछले 3-4 दिन से मैं जब भी ऑफिस पैदल चल के जा रहा हूँ ना, तो मैं कंटिन्यूसली सन के बारे में सोचता रहता हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. मतलब मेरे साथ पहली बार एक ऐसी चीज़ हुई है जो आज तक कभी नहीं हुई. जो कि जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ, जर्नी में आसपास लोग भाग रहे होते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे होते हैं, रोड पे देखता रहता हूँ, और सन तो रहता ही है, हमेशा रहता है. पर कुछ अलग था इस बार, जब से मैं पैदल चलता हूँ मैं सन को देखता हूँ ना, तो एक अलग सी फीलिंग आने लग गई मुझे, जैसे कि ये सही में अभी ही तो जल रहा है, ये अभी यहाँ पे भट्टी जल रही है सन में, ये मेरी आंखों के सामने जो है हमारा सन ही तो है. पता नहीं, मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ क्या है, बट एक बहुत डीप अप्रिसिएशन आ गई हमारे सन के लिए. स्पेशली जो तूने एक बात मुझे समझाई कि हमारा सन भी एक समय पैदा हुआ था, उसकी भी मौत होगी, शानदार ही होगी मौत, पर मौत तो होनी है सन की भी. ऐसा कभी सोचा नहीं था मेरे सन के बारे में. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये जान के कि हमारा सन, उसने काफी साथ दिया हमारा, पर एक दिन शायद हमारा साथ छोड़ देगा सन. मतलब इस बारे हम में होंगे नहीं शायद उस टाइम पे, क्या पता हम ही ना हो. यहाँ तो पक्का ही नहीं होंगे, मतलब उससे पहले या तो हम किसी और प्लैनेट पे चले जाएंगे या फिर धरती पे ही होंगे, तो हम खत्म हो चुके होंगे. इसके अभी बहुत साल हैं, सन बहुत तक बहुत साल तक साल हो रहे हैं, हम शायद पहले खत्म हो जाएंगे. हाँ, ये बात तो सही है. तो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दिस अमेजिंग थिंग अबाउट आवर ओन सन. बट आई रिमेंबर क्वाइट वेल कि यू ऑल्सो मैंशन वन मोर थिंग कि हमने जो एंड किया था, यू वर टेलिंग मी दैट अभी तो कहानी शुरू ही है तारों की. यू वर सेइंग समथिंग रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट देयर. ओके, सो या सो देयर इज जस्ट लाइक एवरीथिंग व्हिच हैज अ बिगिनिंग, इट हैज टू कम टू एन एंड. सो स्टार्स आल्सो हैव अ बिगिनिंग एंड दे आल्सो हैव एन एंड, जस्ट लाइक अस मॉर्टल्स. सो यू कैन से दैट सन इज आल्सो, और लाइक स्टार्स आर आल्सो मॉर्टल्स इन दैट सेंस. सो स्टार की लाइफ साइकिल डिक्टेट होती है उसके बर्थ मास से, ये हमने शायद पहले बोला था. और उसका बर्थ मास क्या है कि जब वो स्टार बना था तो उसके स्टार फॉर्मेशन में, उस स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन, हीलियम, बेसिकली मैटर कितना था. तो जितना हैवी स्टार होगा या जितना बड़ा, जितना ज़्यादा मैटर होगा उस पर डिक्टेट होगी उसकी लाइफ. अच्छा, तो जितना भारी था जन्म के टाइम पे उतना ही लंबा जिएगा वो. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज मोर हाइड्रोजन इन द स्टार, इट दैट मींस इट हैज मोर फ्यूल टू बर्न, सो इट विल बर्न फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अदर स्टार्स व्हिच हैव लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. बट हाइड्रोजन तो हो गया एक चीज. फिर हमने जिक्र किया था कि अगर अगर मैसिव स्टार होगा और समझ लो उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसकी, सो देर आर टू थिंग्स हैपनिंग. एक तो सेंटर में, कोर में उसके फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, तो आउटवर्ड एनर्जी रिलीज हो रही है. अच्छा, तो बीच में ऐसे बाहर की तरफ एनर्जी. करेक्ट. और एक अंदर की तरफ एनर्जी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी. तो अगर बीच वाला जो ईंधन है, जो उसका फ्यूल अगर खत्म हो जाता है, तो सिर्फ एक चीज बच जाती है, वो है ग्रेविटी. तो हमारा स्टार्स बेसिकली कोलैप्स कर जाते हैं. तो इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टार कोलैप्स, लाइक सिंपल टर्म्स में. तो स्टार जब कोलैप्स करता है तो कई बारी क्या होता है, या तो वो अपने कोलैप्स करके विस्फोट में फट जाएगा, मतलब अपना जितना आगे पीछे का मैटर है वो सब बाहर फेंक देगा, और वो कुछ नहीं, जो भी बच गया है उसका उतना छोटा सा वो बॉल ग्लो करता रहेगा. कई स्टार जो मैसिव होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे वो कोलैप्स करने लगते हैं, यानी अपनी ग्रेविटी के
फोर्स से और कंप्रेस होने लगते हैं, तो उनके जो हीलियम है फॉर एग्जांपल या जो भी एलिमेंट उसके कोर में है वो भी फ्यूज होना शुरू हो जाता है और उसका फ्यूजन रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाता है. अच्छा. तो कई स्टार्स जो हमने अभी तक देखे हैं वो मोस्टली क्या होगा, उनमें यही होगा प्रोसेस जिसके अंदर वो कोलैप्स करेंगे, बट उसके बीच वाला जो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से हीलियम बना है वो हीलियम भी फ्यूज होकर और हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हीलियम के बाद हमारे केमिस्ट्री का अगर किसी को एलिमेंट्री टेबल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बहुत तो कोशिश की थी टीचरों ने रटवाने की हमें. हाँ, पर तो हो नहीं पाया मुझे भी याद नहीं. पर कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल रट ली थी. पीरियोडिक टेबल. सो उसके अंदर बेसिकली हाइड्रोजन है, हीलियम है, एंड देन देर आर अदर एलिमेंट्स विच हैव हायर एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मतलब उनका जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग ऐसे उस टेबल में डाले गए हैं. तो हमारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम और हायर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, तो हमारा स्टार बेसिकली और हायर एलिमेंट्स बनाने शुरू कर देगा. तो ये एक सेकंड, क्या तो ये कहना चाह रही है कि ये सारे एलिमेंट्स स्टार्स के अंदर बनते हैं? तो इसकी भी एक लिमिट है. लिमिट कहाँ तक है? वो है आयरन तक. सो आयरन जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास शायद मुझे याद है, नहीं तो पूछ लेते हैं क्या है. 26 स्पेशल नंबर 26 स्पेशल नंबर 26. ओके गूगल, व्हाट इज, ओके गूगल, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन? द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 55.84 एटॉमिक मास. गलत निकला. ओह, एटॉमिक मास पूछा मैंने. हां, आई थिंक यू शुड आस्क एटॉमिक नंबर. ओके गूगल, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? Actually, that brings me to an interesting question. What is the difference between atomic number and atomic mass? Do you know? Mass तो है उसका जो वजन देगा, जो भी अगर उस पर gravity act करती है, तो एक mass पर gravity act करने की वजह से उसको weight देती है. तो उसको mass बोलते हैं. हमारे physicists ने अभी lately इनफैक्ट एक ऐसा element ढूंढा था, जो फंडामेंटल पार्टिकल जो हम बात करते क्वार्क्स वगैरह, ऐसा एक फंडामेंटल एलिमेंट ढूंढा था जो हमारे मैटर को मास देता है, उसको हिग्स बोसोन बोलते हैं. बट हम उधर नहीं जाते. बट कहने का मतलब सुना है मैंने कहीं हिग्स बोसोन, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? ये भी जस्ट लेटेस्ट ही डिस्कवर हुआ था फिजिक्स में. ये गॉड पार्टिकल इसी को बोलते हैं. हाँ हाँ, कि हमारा मैटर जो है वो मास जो है वो कहाँ से आता है. तो उन्होंने इसको ढूंढा, बिकॉज जितने भी प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन का कुछ नेग्लिजिबल मास होता है, मतलब. अच्छा. उनका तो सबका क्वेश्चन यही था कि अरे फिर सब मैटर में मास कैसे आता है. तो इसलिए उन्होंने और रिसर्च की, तो फंडामेंटल पार्टिकल पाया. बट एनीवेज, एटॉमिक नंबर क्या है? कितने उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं उसके सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर, उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं बेसिकली. तो हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल हैज़ वन, विच इज़ वन प्रोटॉन. हीलियम हैज़ टू, which is I think two protons, but it also has two neutrons. So I think it is based on, I think we can maybe verify, atomic number is based on largely ki uske nucleus mein kitne particles proton hai ya neutron bhi hai. Ye check kar lete hain. Ha, actually mereko bhi shayad thoda yaad. Okay Google, what is the difference between atomic number and atomic mass? On the website thoughtco.com, they say atomic mass is the weighted average mass of an atom of an element based on the relative natural abundance of that element's isotopes. The mass number is a count of the total number of protons. Oh. Right. Mass is protons proton and neutrons. Neutrons combined. And so, I guess then correct. Atomic number is just protons. Okay, Google. No, atomic number. What is was the atomic number? According to Wikipedia, the atomic number or proton number of a chemical element is the number of protons found in the nucleus. Right. Correct. So right. Atomic number is just the number of protons. So helium, oh sorry, hydrogen has one, helium has two, and that's how we have kept our periodic table also, like with the increasing number of protons in the nucleus. But anyways, तो so हाँ, मैं इतने tangent पे इसलिए चल गया क्योंकि मैं इसको ना बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहता था. तो तेरे कहने का मतलब फिर ये है कि हाइड्रोजन हीलियम वन हुआ एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम नंबर टू हुआ, वैसे नंबर थ्री का कुछ आएगा. राइट. ऐसे ही 26 तक सारे स्टार्स की भट्टी में बनते हैं. तो हाँ, जो कई सारे स्टार्स हैं उनका मोस्टली लास्ट स्टेज वो होता है जब लास्ट में फ्यूज हो के लास्ट कोर जो एलिमेंट है उसका वो आयरन हो जाता है.
साइंटिस्ट बोलते हैं कि आयरन जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि उसको और फ्यूज नहीं कर सकते. अच्छा, तो उसके इसलिए वो फ्यूज नहीं होगा. सो दैट्स लाइक द लास्ट. हाँ यार, आयरन मैन, आयरन मैन को कैसे फ्यूज करोगे? इट्स अ मेटल, इट्स अ हैवी मेटल, और हम देख भी सकते हैं, मतलब आई थिंक दिस इज आयरन, आई डोंट नो, मे बी दिस इज आयरन. सो आयरन इज मेटल, और उसकी मेटल हैवी मेटल होने की वजह से उसके जो अंदर एटम्स हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर हैं कि वो उस और फ्यूज नहीं हो सकते. और यू कैन से कि उस सन में इतनी एनर्जी नहीं है कि और आयरन को भी फ्यूज कर दे. अच्छा. तो इसलिए हमारे स्टार्स जो नॉर्मली स्टार्स हैं, जिनका नॉर्मल मास है, जो एवरेज स्टार्स हैं हमारे सन की तरह, उनमें लास्ट एलिमेंट उनके भट्टी के अंदर आयरन तक बन जाता है. उसके बाद क्या होता है, सडनली वो भट्टी, मतलब आयरन बनने के बाद जो बीच में एक फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, वो जाता है बंद. तो अपनी ग्रेविटी, जो बाहर उसका मास होता है, जितना मैटर बच गया उसके, जो लाइट एलिमेंट्स ऊपर उड़ रहे थे सन के आसपास, वो ब्लास्ट हो जाते हैं बाहर, और सिर्फ एक छोटा, जितना बड़े साइज का स्टार होगा उससे कहीं ज़्यादा छोटा साइज का स्टार रह जाता है, जो कि सिर्फ एक आयरन बॉल होता है. और वो आयरन बॉल ग्लो करता रहेगा फिर भी अपनी गर्मी की वजह से, तो उसको बोलते हैं वाइट ड्वार्फ. सो दैट हाउ सम ऑफ द स्टार्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टार्स विल डाई. ये हो गया एक तरह की डेथ. अच्छा, अलग अलग तरह की मृत्यु होती है अलग तरह की. तो अगेन एज आई सेड, वाइट ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ तो मतलब ऐसे आयरन का जलता हुआ गोला. तो क्या वाइट कलर का जलता है क्या वो? मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब जो पिक्चर्स देखी है उसमें ऐसे ही दिखाते हैं. इंटरेस्टिंग. मैं आई थिंक इसमें अगर तुम सोचो तो कभी कभी जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो जितना वो गर्म होता है उसका उसकी वजह से उसका कलर उतना ही ब्लू की तरफ रेंज करता है, करेक्ट? और जितना ठंडा होता है उतना ही वो थोड़ा ऑरेंज या फिर रेड की तरफ दिखता है. तो जितना गर्म होगा उतना शायद ब्लूइश कलर शेड में आएगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि आई थिंक वो अगर आयरन बॉल को तुम जितना गर्म करोगे वो उतनी भट्टी में से अगर निकला है तो इसलिए वो वाइट कलर का है. सो इट्स इट ग्लोज एज लाइक अ वाइट स्मॉल स्टार, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड ड्वार्फ. ड्वार्फ मतलब छोटा. अच्छा, इंटरेस्टिंग. तो ये तो हो गई एक तरह की मौत. अभी फिर दूसरे, तो मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, तारे मरते मरते भी कुछ दे जाते हैं. तो अब जितना भी उसके आगे पीछे का मैटर है वो ब्लास्ट कर देते हैं. अब वो किसी और चीज में यूज हो सकता है. इट कैन बी अ प्लैनेट, इट कैन बी अनदर स्टार, यू नेवर नो. सो दिस होल साइकिल ऑफ अ स्टार बेसिकली इज यूज्ड बाय, यू नो, सम अदर स्टार्स, अदर स्टार्स, अदर प्लैनेट्स. सो इट गेट्स रीयूज्ड बेसिकली एवरी टाइम इन सम फॉर्म और फैशन. तो ये तो हो गया एक स्टार, एक स्टार की मौत, सॉरी. फिर आते हैं और तरह के लाइफ साइकिल स्टार्स के. तो जो मैसिव स्टार्स होते हैं, जिनको हमने शायद लास्ट टाइम हमने बोला था सुपर जायंट्स, जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है. वो सिर्फ जायंट्स नहीं, वो सुपर जायंट्स होते हैं. तो सुपर जायंट्स में क्या होगा कि उनकी उनकी साइज इतना बड़ा है कि वो काफ़ी धमाकेदार तरीके से पहली बात तो कोलैप्स करेगा, और जब वो कोलैप्स करेगा और जब उसका ब्लास्ट होगा तो नॉट ओनली जो उसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे, बट उसकी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा, और वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना भयंकर होता है कि उसके अंदर जितने भी हमारे आज की डेट में नोन एलिमेंट्स हैं वो सारे बन जाते हैं उतनी गर्मी से. अच्छा, तो आयरन के ऊपर वाले सुपरनोवा से बनते हैं? हाँ. तो अब मैं समझा, तो जो छोटे तारे होते हैं वो आयरन तक ही उनकी क्षमता है, आयरन तक कोर बनाने में, उसके की, बनाने पर की. जो थोड़े मैसिव हैं, जो थोड़े भारी भड़कम सितारे हैं, वो जब कोलैप्स करते हैं तो इतनी गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है कि आयरन से ऊपर वाले भी बन जाते हैं. हाँ, तो उनके कोर में नहीं बन रहे, वो जब वो फट रहा है उस मोमेंट पे बन रहे हैं. तो उस स्प्लिट मोमेंट पे जब इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो स्टार, स्टार अपनी डेथ पे, तो ये सारे एलिमेंट्स वो बेसिकली उस भट्टी में बनते हैं. इनफैक्ट कई स्टार्स जब ये कोलैप्स करते हैं सुपरनोवा के एक्सप्लोजन में, तो उनका जो भी बच गया अभी मैटर, जिस तरीका कोई भी एलिमेंट हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसके जो कोर के बाहर बार हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट बचा होगा, वो
फिर रिसाइकल हो जाता है किसी और स्टार के फॉर्मेशन में, ताकि तो सुपरनोवा जितने एक्सप्लोजन होते हैं वो सिर्फ ना कि एलिमेंट्स बना रहे बट दे आर ऑल्सो नर्सरीज फॉर न्यूअर स्टार्स ऑल्सो. सो उनको उनको नर्सरी मतलब जहाँ पे छोटे बच्चे, हमारे भाषा में क्या होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे रखे जाते हैं, तो वहाँ पे नए 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 छोटे अभी तारे पैदा होंगे. तो सुपरनोवा के फटने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि बाकी जो छोटे छोटे तारे हैं वो पैदा हो जाते हैं. तो वो फ्यूज कर जाएंगे ग्रेविटी की वजह से और वहाँ पे नया कोई तारा बन जाएगा. इट विल नॉट बी एज लार्ज एज दैट ऑब्वियसली दैट सुपरनोवा स्टार जिसकी वजह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ. तो ये तो हुआ एक और तरह की मौत, सुपरनोवा. ये जो वाइट ड्वार्फ्स हैं ये भी कई बार सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर बना सकते हैं, पर अपने आप से नहीं, तब जब ये भी किसी और भारी भरकम एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर से, कोई और बॉडी से कोलाइड कर जाएं. अब ग्रेविटी, अब क्या है, आप देखो यूनिवर्स में बहुत कुछ है, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है. तो ये जो वाइट ड्वार्फ बन गए, छोटे स्टार बच गए, ये अगर किसी और स्टार के साथ कोलाइड करते हैं तब ये भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर सकते हैं. और सेम प्रोसेस समझ लो कि जो मैंने भी सुपरनोवा का एक्सप्लोजन में बताया होता है वो इसके भी एक्सप्लोजन के टाइम पे होगा. इंटरेस्टिंग. तो वाइट डॉट जो छोटे वाले होते हैं वो भी सुपरनोवा बन सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ जो तुम शायद रिलेट कर पाओ, इनफैक्ट कोई भी सुन रहा होगा तो शायद रिलेट कर पाएगा. बता बता. ये गोल्ड, मुझे ऐसा लगता था कि ये जैसे डायमंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डायमंड धरती में बनते हैं, कार्बन को कंप्रेशन, कार्बन इतनी अपनी धरती के अंदर दबाव हुआ है कि उस कंप्रेशन से, अगेन वैसे देखा जाए तो ग्रेविटी ही फोर्स है, उसके कंप्रेशन से वो डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. मुझे लगता था शायद गोल्ड भी ऐसे ही बनता है. बट पता चला मुझे कि सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होते हैं ये एक्चुअली हायर एलिमेंट्स सब वहाँ बनते हैं. Oh, I see what you're trying to say. ये सोना जो है इसके अंदर वो सुपरनोवा में बना था. ये सोना सारा सुपरनोवा. ये वाला जो मेरे हाथ में. Exactly, exactly. So ये मेरे हाथ में या तुम्हारे हाथ में भी जो ये है, ये कहीं ना कहीं एक एक तो धरती पे जितना सोना है वो तारों के फटने से आया है. हमने तो झाड़ू मार के बेसिकली जितना इकट्ठा हुआ उतना इकट्ठा कर लिया अपनी अर्थ में, पर हमारी अर्थ ने कुछ एलिमेंट्स क्रिएट नहीं किए. ये सब हैवी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दिस रिंग वॉज फॉर्ज्ड, नॉट फॉर्ज एग्जैक्टली बट एटॉमिक लेवल पे एक्चुअली वॉज फॉर्ज्ड इन दैट न्यूक्लियर दैट सुपरनोवा एक्सप्लोजन. नो वंडर वी वैल्यू गोल्ड सो मच. Exactly, because it is limited in our planet, if you think about it. I see. That's quite fascinating कि जितना भी सोना है वो तारों के विस्फोट से है. और तुम इसको आज टच कर रहे हो. हाँ, ये एक एलियन चीज हो गई मतलब मेरे हाथ में. एलियन मतलब वही ना जो इस धरती का नहीं है. जो इस धरती का नहीं है. तो ये एलियन चीज ही तो हुई. हाँ, कितनी अच्छी बात बोली. Exactly, ये एलियन चीज है. और हमें ऐसे लगता नहीं है, हम डेली पहन के घूमते हैं. लोग चेन पहन के घूमते हैं, कोई इयर रिंग्स. तो आई थिंक कोई अगर ये सुन रहा है तो एक बार ज़रा टच करो अपनी चेन को या इयर रिंग को या रिंग को और इस चीज़ का एहसास लो कि ये देखो कितनी एलियन चीज़ है तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे हाथ में. और अब मैं सोच रहा हूँ जब तू बोल रही थी, कितना पुराना सोना भी हो सकता है. हो सकता है ये धरती से पुराना. हाँ बिल्कुल हो सकता है. हमारे सन से पुराना, ये तो 100% धरती से पुराना है. ये अगर किसी स्टार में बना है, हमारे प्लैनेट तो बहुत बाद में बना है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे सन में बना या फिर किसी और स्टार में बना. वी डोंट नो बिकॉज हमारा सन भी तो रिसाइकल कर रहा है काफ़ी एलिमेंट्स. वाओ, मतलब मैं इसको, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई तेरी अंगूठी के लिए. मुझे वैसे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है बट I Maybe might reconsider. Yeah. Exactly. That's quite interesting. In fact, if I can tell you one more thing, which is more fascinating to me, is the fact that you and me right now have all of these higher elements in our body. मतलब? तो हमने तुम्हें याद है हम ये टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जिसके अंदर जिंक का लेवल आता है, मैग्नीशियम लेवल आता है. हमारे बॉडी में विटामिन डी हमेशा कम आता है. विटामिन्स खैर फिर भी अलग चीज़ है. अच्छा. बट हेवियर एलिमेंट्स हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं वो?
मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब हायर एलिमेंट्स है. दे आर एक्चुअली एलिमेंट्स दैट यू कैन सी इन अ बॉटल इन अ लेबोरेटरी समवेयर. मतलब हम उसको अलग से देख सकते हैं क्योंकि वो धातु है. धातु जो एक शब्द बोल, धातु मतलब एलिमेंट, मेटल, मेटल को धातु नहीं बोलते, मतलब एलिमेंट. ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अभी मौजूद है, थोड़ी थोड़ी मतलब कंटेंट इसका. और ये पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब हमारी, हमारे कितने सारे फंक्शंस बॉडी के, फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन बहुत ज़रूरी होता है. इनफैक्ट आयरन छोटे बच्चे जब पैदा हो रहे होते हैं तो आयरन उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ वाई प्रेग्नेंट वेमेन आर मोस्टली आस्क्ड बाय द डॉक्टर्स टू हैव आयरन ऑन अ रेगुलर बेसिस, इवन वेन दे आर नॉट आयरन डेफिशेंट. बिकॉज क्योंकि उनके बेबी को आयरन डेफिशेंसी नहीं होनी चाहिए, आयरन इतना इम्पॉर्टेंट है. अब तुम सोचोगे ये देखो ये आयरन ये मेटल जिसमें हम टक मतलब करते मैं हैं. समझ रहा हूँ तो क्या कहना चाह रही है कि ये सिर्फ ये अंगूठी पे लागू नहीं होता, ये हमारे शरीर पे भी लागू होता है. तो हमारे शरीर के अंदर जो कई कण हैं वो तारों से निकल के आए हैं और हमें चाहिए वो जिंदा रहने के लिए. वी आर स्टार डस्ट और स्टार स्टफ. लाइक वी लिटरली वी जस्ट यू एंड आई आर मेड अप ऑफ स्टार स्टफ. जस्ट फैसिनेटिंग इफ यू थिंक अबाउट. हम सोचते नहीं है इस बारे में, बस यही है. बिल्कुल नहीं सोचता था यार मैं. मतलब तू आज बता रही है तो मैं अगली बार कोई भी कोई मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल्स की टैबलेट्स भी आती हैं अगर वो खाए, या फिर इनफैक्ट एक केला भी खाए जिसमें आयरन कूट कूट के भरा होता है, तो इस बारे में ज़रा सोचना कि तुम क्या लेना चाह रहे हो अपनी बॉडी के अंदर. ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं. I'm sort of speechless. मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, मैं मेरे को धीरे धीरे ना तेरी वो थ्रेशोल्ड वाली बात समझ में आ रही है. तूने क्यों असंभव बोला कि अगर ये तारों का विस्फोट ना होता तो आयरन ना बनता, ये हायर एलिमेंट जिंक मैग्नीशियम ना बनते, और अगर ये ना बनते तो हम ना होते. हमारे यहाँ होने के पीछे इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है. इनफैक्ट यू एक्चुअली पिक्ड अप अ वेरी नाइस थॉट. इनफैक्ट मैं अपने पता नहीं सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, बट मे बी रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन दिस, बट आई लाइक टू गिव माई टू सेंस और लेट्स से दो सेंस. इट्स अ पॉपुलर सेइंग हियर, राइट? लेट मी गिव माई टू सेंस. राइट, सो लेट मी गिव माई दो सेंस. हाँ जी, हिंदी में दो सेंस दीजिए, अपने दो सेंस दीजिए. इट्स नाइस, नो? दो सेंस, दो सेंस. ओके, आई सी व्हाट यू डिड देयर, दैट वाज इंटेंडेड. सो आई थिंक विद ऑल दीज हायर एलिमेंट्स we were somehow in obviously this whole journey that we have taken, we were somehow able to build more complex structures like us. Like we, I think, are the most complex structures in the entire universe, in the sense that ki hamare kitne organs first of all ek saath kaam kar rahe hain, aur wo organs bhi apne aap mein individual cells se bane hain, wo cells apne aap mein khud ek apna individual kaam kar rahe hain. हमारी आँख फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जस्ट टेक दिस आई, इसमें कितने तरह के सेल्स अभी काम कर रहे हैं एक साथ, समहाउ दे आर फंक्शनिंग. एंड नॉट जस्ट दैट कि इंडिविजुअल आँख का काम ही नहीं कर रहे हैं, पर वो रिले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन हमारे एक अलग ऑर्गन, हमारे ब्रेन तक, हमारा ब्रेन उसको फिर प्रोसेस कर रहा है. सो आई थिंक हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. हाँ यार, हम तो, और ये लेटेस्ट गैजेट है ब्रह्मांड के. हम आईफोन है इस ब्रह्मांड के, एकदम करेक्ट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है. नहीं, सही बोल रही है. हम, हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं. अभी मैं बोल भी पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये बस निकल के आ रहे हैं शब्द मेरे से, कैसे हिल रहा है मेरा मुंह, थ्रोट बॉक्स चल रहा है, कुछ अमेजमेंट चल रही है बेसिकली. आई थिंक हमारे, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाई इन हायर एलिमेंट्स की वजह से. मतलब इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारे इस कॉम्प्लेक्सिटी को बनाने के लिए, नहीं तो हम अभी क्यों नहीं बिखर जा रहे हैं ऐसे. जैसे एक स्टार का हम बात करते हैं कि स्टार एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो चीज़ें चल रही हैं, एक इंटरनल विस्फोट चल रहा है जो बाहर की तरफ उसको धकेल रहा है, और एक ग्रेविटी है जो उसको अंदर की तरफ रख रही है. सो इट्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस, बना रहता है संतुलन ग्रेविटी और फ्यूजन के बीच. करेक्ट. आई थिंक इन अस, आई डोंट नो हाउ मेनी फोर्सेज आर इन प्ले राइट नाउ. मतलब अंदर इंडिविजुअल सेल भी अपने आप में एक छोटा सा विस्फोट कर रहा है, बिकॉज इट्स कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग एनर्जी.
and it's also burning a lot of fuel. And that's just one cell. Ab ek organ ko pump kaam karne ke liye kitni energy chahiye, kitna usko energy ko fir wo apne functioning mein use karega aur fir waste karega. To hum ek bahut hi complex structure hain. But I think kahin na kahin ye jo cheeze hum abhi bata rahe hain, abhi elements ka zikr kiya humne, ye higher elements I think hamari body ko ek santulan mein rakhne ke liye bahut bahut zaruri hai. Aur मतलब इसके लिए आई थिंक रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है जिसका कोई डेफिशिएंसी होती है किसी भी एलिमेंट की, तो उसको कोई ना कोई बीमारी हो ही जाती है. देखा जाए जैसे किडनी फॉर एग्जांपल, कितनी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है जिसका एक ही फंक्शन है हमारे पूरी बॉडी के को बैलेंस रखना, हमारे पूरी बॉडी का जो आयन्स हैं जिसके यही सब एलिमेंट्स हैं इनका संतुलन बनाए रखना. अगर किडनी में कुछ फंक्शनिंग प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी बॉडी हमारी खून की सफाई करता है. हाँ, गुर्दा. हाँ, तो वो तो लंग्स, गुर्दा इज ओके लंग्स नहीं किडनी, करेक्ट. सो ये सारे ऑर्गन्स अपने आप में कितने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट काम इसलिए इस असंभव काम को करने के लिए आई थिंक हमारे सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं प्ले कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर. तो मैं समझा तेरे दो सेंस जो तू देना चाह रही है, कि तू कहना ये चाह रही है कि तुझे लगता है कि ये जो मैग्नीशियम, जिंक, ये सब हमारे जो खून में आयरन वगैरह जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से ही हम ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं ये बन पाए, उसकी फंक्शनिंग हो पाती है. कि हमारी हर हरकत बड़ी कॉम्प्लेक्स है. एक सन भले ही बड़ा हो, है तो सिंपल सी चीज़, पर हम भले छोटे हैं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सन से, क्योंकि सन एक ही चीज कर रहा है. करेक्ट. हम तो लाखों करोड़ों चीजें कर सकते हैं. Correct. हम अपने हाथों से डांस भी कर सकते हैं. Correct. क्रिकेट भी खेल सकते हैं. करेक्ट. मैं समझ रहा हूँ तेरी बात. तो हम जो जितने कॉम्प्लेक्स हैं वो इसलिए क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज कर करके इसके लिए एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए एक बड़ा अच्छा इस बुक में एक्चुअली जिक्र है एक चीज का जिसको बोलते हैं एनर्जी फ्लोज. यानी कि उस स्ट्रक्चर में समझ लो हमारा सन एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर है, बट हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट. जैसे सन के अंदर हमने जिक्र किया कि एक जो अंदर उसके विस्फोट चल रहा है, फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, उसकी वजह से एनर्जी है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एनर्जी लग रही है. राइट. उसका एक बैलेंस है. तो पर मुझे अंदाजन याद नहीं है, वैल्यूज याद नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हर लेट्स से हर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर तुम एक एरिया उठाओ सन का, तो उसमें जो एनर्जी नेट फ्लो हो रही है वो बहुत कम है, वर्सेस हम में जो हमारा अगर सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया उठाओगे हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी के अंदर से जो उस सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एनर्जी फ्लो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पर सेकंड या पर जितने भी कोई टाइम स्केल पर अगर उठाए. सो सेंटीमीटर स्क्वायर में सन में जो एनर्जी फ्लो हो रही है पर सेकंड, दैट इज़ वेरी 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 लेस देन कंपेयर टू अस विच. एंड दिस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर. आई अंडरस्टैंड. द मोर कॉम्प्लेक्स अ स्ट्रक्चर, higher energy flows. Okay, so you're trying to say that that's how scientists measure the complexity of a particular entity. Ki uska ek chota sa cross section le lo aur agar us cross section mein energy flow ko measure kar lo aur agar energy flow zyada hai to zyada complex cheez hui. Ha, matlab isme complexity ko measure karne ka tarika nahi hai ye. It's just that complexity hai to humne ye paya complex structures ke andar larger energy flows are required. So to maintain is that. Is this something important to understand the story? ये कहानी समझने के लिए energy flows का. नहीं, मैं वैसे एक अच्छा concept बता रही थी कि जितना complex structure तुम बनाना चाहोगे, अगर समझ लो हम कल को कोई machine बनाते हैं जो बहुत complex है. Car for example, आज के date में मतलब जो पहली first cars आई होंगी वो इतनी complex नहीं थी. आज के date में जो cars हैं वो बहुत complex हैं. So per second उसका जो एनर्जी फ्लो होगा कार का वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो पुरानी कार्स आई. ऐसी सारे स्ट्रक्चर्स पे लागू होता है ये, चाहे वो मशीन्स हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं.
तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कितनी अजीब चीज़ है, हम सोचते हैं कि सन कितना बड़ा है, इतनी एनर्जी दे रहा है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली. हमारी बॉडी में से अभी ज़्यादा एनर्जी फ्लोज चल रहे हैं, तभी तो हम तीन बार तो कंज्यूम करते हैं खाना ताकि हम ये मेंटेन रहें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है चलता फिरता हम. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मैं समझा तेरी बात कि हमें भले ही, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेशन आई वाज सो फैसिनेटेड कि हमारा सन है, मैं देख रहा था उसको कि क्या चीज़ है ये, भट्टी जल रही मेरी आंखों के सामने. बट यू आर ट्राइंग टू पॉइंट मी टू माई सेल्फ कि तुम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सन से. आई थिंक आई वुड अग्री विद दैट. आई एम अ मोर फैसिनेटिंग, मैं आईफोन हूँ इस ब्रह्मांड का. एंड बार बार मैं स्ट्रक्चर इसलिए यूज करूँ क्योंकि इट्स अ वेरी जेनेरिक टर्म इंस्टेड ऑफ, बिकॉज स्ट्रक्चर सबके लिए अप्लाई होता है, सन के लिए भी, तुम्हारी बॉडी के लिए भी, चेयर के लिए भी, टेबल के लिए भी, कार के लिए भी. तो इट्स अ वेरी गुड टर्म टू यूज एंड आई थिंक आई विल कंटिन्यू टू यूज दैट. हिंदी में रूप बोलते हैं, बड़ा जेनेरिक टर्म है रूप, बहुत सारी चीजों पे फॉर्म जैसे बोलते हैं. तो तू स्ट्रक्चर बोलना चाहिए. स्ट्रक्चर मतलब किसी भी अलग अलग चीजों को अरेंज करके एक रूप आ जाता है, एक फॉर्म आ जाता है, उसको तू स्ट्रक्चर बोल रही है. अब आईफोन भी एक स्ट्रक्चर है, हमारा सूरज भी एक स्ट्रक्चर है, मैं इंसान भी स्ट्रक्चर, ये टेबल भी एक स्ट्रक्चर है. करेक्ट. तो मैं समझा. तो अब हम बात करेंगे एक और फैसिनेटिंग चीज़ की, अगेन सन स्टार्स की लाइफ साइकिल में जो होती है वो है कि जो ये मैसिव सुपर जायंट्स की हम बात कर रहे थे, एक तो होता है ये कि सुपर जायंट जो जब एक्सप्लोर करते हैं, जब इनकी डेथ होती है, एक्सप्लोर करते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, कुछ कुछ केसेस में जब उनका मास बहुत ही ज़्यादा होता है और उनकी समझ लो जो सेंटर में ये फ्यूल खत्म हो जाता है और ये फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाता है, ग्रेविटी से भक्त, तो वो ग्रेविटी से इतने तेजी से और इतने जोर से कोलैप्स करते हैं कि वो अपने साइज से बहुत गुना छोटे साइज में पहली बात तो कन्वर्ट हो जाते हैं और कोई ब्लास्ट व्लास्ट नहीं होता और उनकी उनकी सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया में समा के रह जाती है. वो इतना डेंस होता है एरिया कि उसमें से कुछ भी नहीं निकल सकता. अगर आप उस पर लाइट भी मारोगे तो लाइट भी उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी और पता नहीं चलेगा कहाँ गई. और उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं. वो लिटरली एक होल है कि जैसे हम एक होल देखते हैं, उस होल में कोई कुछ गिरा दे तो गायब, लाइक वो होल में चला गया. तो वहाँ से शब्द है, इट्स अ ब्लैक होल. या आई हैव हर्ड ऑफ ब्लैक होल बिफोर, मुझे नहीं पता था ब्लैक होल ऐसे ही बनता है. अच्छा, तो ब्लैक होल भी एक तरीके का स्टार ही होता है. तो कभी था वो, अपनी ग्रेविटी से इतना कोलैप्स हो गया कि वो बाद में ब्लैक होल बन गया. अच्छा, तो मैं समझा, जैसे कि हाँ तू बता रही थी प्रोसेस वही है, ईंधन खत्म हुआ, फ्यूजन बंद हुआ, नेक्स्ट स्टेज, एक फोर्स चला गया तो संतुलन खो जाएगा. संतुलन खो गया, इसकी वजह से ग्रेविटी और तेज हो जाती है और उसको कंप्रेस करने लग जाती है. तो जब बहुत ज्यादा कई बार कंप्रेस कर जाती है तो वो कितना छोटा एरिया तू बोल रही है ब्लैक होल का, मतलब? तो ये भी डिपेंड करता है, कई थोड़े बड़े ब्लैक होल होंगे, कई छोटे होंगे, बट लार्ज हमारी अर्थ से भी छोटे साइज के होते हैं. पर उनकी उनकी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि वो कई स्टार्स को भी लपेटे में ले सकता है अपने आगे पीछे. इनफैक्ट हमारी गैलेक्सी ऐसे ही बनी है कि हमारी गैलेक्सी की सेंटर में कोई ब्लैक होल. थोड़ा समझाना गैलेक्सी, तूने पहले अभी यूज़ नहीं किया, पहली बार यूज़ करी, मोटा मोटा समझा दे गैलेक्सी क्या हुई. सो गैलेक्सी क्या हुई, गैलेक्सी एक अगेन एक स्ट्रक्चर का नाम है. और वो स्ट्रक्चर कैसे बना है, कोई ब्लैक होल था, उसने कई सारे स्टार्स को अपनी ग्रेविटी के लपेटे में ले लिया. तो स्टार्स उसके आगे पीछे ऐसे डांस करने लग गए और वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे हमारे सन के आसपास हमारी धरती डांस करती है वैसे ही ब्लैक होल के आसपास तारे डांस करते हैं. मतलब ये सन एक ब्लैक होल के आसपास डांस कर रहा है. हाँ, तो हमारा सन अभी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, उसके अंदर एक ऐसा स्टार है जो ऐसे डांस कर रहा है. और सेंटर में एक्चुअली बहुत बड़ा ब्लैक होल है और वहाँ पे भयंकर विस्फोट ही चलते रहते हैं. विस्फोट इन द सेंस, क्योंकि जो भी चीज़ उस ब्लैक होल में जाती है वो बस ब्लैक होल में समा के रह जाती है, कुछ बाहर नहीं आता है, इसलिए वो होल है. जैसे होल में कोई चीज तुम ड्रॉप करो. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये होल, मतलब इसको होल क्यों बोलते हैं, मतलब ये छेद छेद है कहीं पे. हाँ, छेद ही है एक तरह, समझ लो हमारे. तो हवा में छेद कैसे हुआ भाई, क्या चल क्या रहा है, मतलब मेरे को समझाना है ये ब्लैक होल मतलब क्या हुआ, छेद मतलब. तो आई थिंक इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल दू विजुलाइज करने के लिए, तो एक एग्जाम्पल ये होगा कि समझ लो एक पानी का बकेट है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी की बाल्टी भरी हुई है, पानी की बाल्टी भरी हुई है,
उस पानी के बाल्टी को तुम जोर जोर ऐसे गोल 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 एक चम्मच से घुमाओ उस पानी को, तो पानी एक बवंडर की तरह शेप ले लेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं करता था ऐसे, मुझे बड़ा मजा आता था। पानी का जो वर्लपूल बोलते हैं। हाँ हाँ, वर्लपूल। सो इट टेक अ शेप ऑफ अ वर्लपूल, एंड दीज लाइक वर्लपूल हैपन इन लाइक एक्चुअल वाटर्स आल्सो, कई बार ओशन में या सी में भी देखे जाते हैं। तो क्या है वो, बेसिकली हमें बीच में दिख रहा है कि इसे कुछ होल है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, बट लार्जली उसके आगे पीछे जो भी होगा वो जोर जोर से उसके आगे पीछे घूम रहा होगा, इवेंचुअली वो उसके अंदर ही जा रहा है, सेंटर पॉइंट के अंदर, राइट? तो इस तरीके से तुम विजुलाइज कर सकते हो, बट एक्चुअल में तो एक्चुअल में ब्लैक होल्स को किसी ने ऐसे देखा नहीं है कि वो दिखते कैसे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली अच्छा लगा तेरा विजुलाइजेशन, तो कहना चाह रही जैसे हमारी जो गैलेक्सी है वो जिस ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है, तो वो वैसे ही घूम रही है जैसे बाल्टी के पानी में तुम जोर जोर से हिला दो तो कैसे एक, हाँ सही में लगता है कि कोई उसको खींच रहा है अंदर, खींच रहा है अंदर, क्योंकि क्योंकि बीच में सेंटर में फोर्स सबसे ज्यादा आ जाता है हमारे उस वर्लपूल के अंदर। इसी तरीके से अगर बीच में कुछ एक होल है हमारी गैलेक्सी के, तो हमारे आगे पीछे सन या स्टार्स ऐसी घूमते रहेंगे। इनफैक्ट जितनी सारी गैलेक्सीज हमने ऑब्जर्व किए हमारे अलावा भी, वो भी इसी शेप में हैं, जिसको वो नॉर्मली स्पाइरल शेप बोलते हैं। स्पाइरल मतलब ऐसे मैं समझा, ऐसे रिंग, हाँ ऐसे रिंग्स की तरह, हाँ कंसेंट्रिक बट नॉट कंसेंट्रिक बट स्पाइरल की तरह, नॉट एग्जैक्टली कंसेंट्रिक बट आई सी व्हाट यू मीन। वो मेरे को एनालॉजी बड़ी अच्छी लगी बाल्टी पानी की। और इन कई मोस्टली गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सीज हैं, कुछ गैलेक्सीज जो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हैं, वो कभी क्या हुआ है वो दो गैलेक्सीज कुछ कंबाइन हुई है तो उनका शेप बिगड़ गया, तो लार्जली गैलेक्सीज इसलिए स्पाइरल भी पाई जाती हैं। सबसे अच्छा आई थिंक विजुलाइजेशन आज तक मैंने ब्लैक होल का एक मूवी में देखा है, सही बता दो, उस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर वो मेरी फेवरेट मूवी है फॉर मेनी रीजंस, बिकॉज आई थिंक उस मूवी में बहुत सारे लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर तो उसका साइंस का ही लेयर है, जो आई थिंक बड़ा ऑब्वियस है। मुझे भी बहुत पसंद है वो मूवी। आई थिंक इट इज आल्सो माय फेवरेट मूवी, इफ नॉट टॉप थ्री में तो डेफिनेटली। हाँ यू आर राइट, इट्स सच एन अमेजिंग अमेजिंग मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सीन, एवरी टाइम आई वॉच दैट मूवी अगेन इट स्टिल गिव्स मी गूसबम्प्स, दैट वन सीन। व्हाई डू यू थिंक इट गिव्स यू गूसबम्प्स, बिकॉज ऑफ द विजुअल्स और I don't know. I'll tell you why. That movie, for the first time, gave me an experience of magic in the movie theater. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वो पहली बार मूवी देखने गया ना, तो उसमें एक सीन था कि मैथ्यू मैकॉनहे एंड हैथवे सब कोई एक फर्स्ट प्लैनेट में जाके गिरते हैं। तब तो मूवी अच्छी चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था, पर उसमें एक चीज दिखाई कि एक पानी की वेव आती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पानी का पहाड़ आता है, पानी का पहाड़ था, वो वेव नहीं थी, ऐसी चीज जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की उस मूवी ने दिखा दिया था। इसलिए मेरे को भी वो मूवी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को जो हम बात कर रहे हैं, ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि बाकी सारे स्टार्स उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसको एक्चुअल में दिखाया कि भाई उसका असर कैसा होगा। लेकिन डिफरेंट वेज, तो उसमें एक तरीका दिखाते हैं कि वो प्लैनेट फॉर एग्जांपल उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा है कि उस प्लैनेट पे जो भी पानी है उसके सरफेस पे, उस पानी के माउंटेन्स ही बन गए। इसी वजह से बने, बिकॉज उसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा होता है ब्लैक होल का। एक चीज़ शायद आज चमकी है जो मेरे को कभी समझ में नहीं आई थी मूवी में, कि इस कारण वो पानी इतना ऊपर था क्योंकि तू समझाना चाह रही थी कि ब्लैक होल इतना डेंस होता है, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, और ग्रेविटी की वजह से ही तो टाइड्स आते हैं, लहरें आती हैं, जैसे हम देखते हैं ना कभी जब चांद पूरा दिखता है पूर्णिमा की रात में, पानी ऊपर हो जाता है ना, क्योंकि वो चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है। करेक्ट करेक्ट, तो इसीलिए उस पिक्चर में वो पानी। अच्छा मैं समझा, आई थिंक थोड़ा सा टाइड का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ सबके लिए। तो टाइड का कॉन्सेप्ट आई थिंक सब समझते हैं, उस मूवी में वो टाइड ही थी एक तरह से बड़ी, जो वेव्स क्या है, वेव्स हम इमीडिएटली देखते हैं कि वेव्स आ रही हैं जा रहे हैं आ रही जा रहे हैं। टाइड एक तरह से वो वेव फॉर्म है जो आवर्स में आता है और आवर्स में जाता है, मतलब दो तीन घंटे उसको लगते हैं ऊपर आने में, और फिर दो तीन घंटे में नीचे आता है, फिर वापस ऊपर आता है। वो एक तरह की वेव ही, बट वो वेव किससे बन रही है, वो एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से बन रही है, वो है हमारा मून। तो हमारे सरफेस पे जितना पानी है अर्थ के, तो जब वो मून
अपनी ग्रेविटी की जहाँ पे भी होता है मून, तो जहाँ जहाँ पे होता है उस तरफ पानी को थोड़ा और अट्रैक्ट कर लेता है. तो जहाँ पे पानी अट्रैक्ट होता है वहाँ पे टाइड थोड़ी ऊपर चली जाती है, यानी पानी का बहाव या पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है, स्तर ऊपर हो जाता है. और जहाँ पे वो नहीं होता है वहाँ पे नीचे हो जाता है. तो बेसिकली टाइड इसलिए हम दिन में दो बार देखते हैं, आ रहा है और जा रहा है. तो उसमें विजुलाइज ये किया था कि अगर कोई ब्लैक होल के पास प्लैनेट हो तो तुम सोचो कैसी वेव्स आएंगे. एग्जैक्टली, इमेजिन. सो आई मीन दैट इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई आई लाइक द मूवी. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन दैट मूवी. आई थिंक वी कैन स्पेंड मे बी 10 आवर्स talking about that movie. Oh, I see. On again on different levels. So one is science, ki uske andar physics dikhai gaya hai, physics itne fascinating tarike se dikhai gaya hai. Time dilation aur black holes and black holes ki gravitation pull ye wo. Fir uske andar kai aur subtle messages bhi aaye the. Mujhe unke wo movie mujhe har level pe achhi lagti hai. Aur uske andar just like from प्योर मूवी परस्पेक्टिव, एक अगर मूवी को तुम्हें एक्चुअल में इंजॉय करना है किसी थिएटर में जाके, तो उसके विजुअल्स भी इतने शानदार हैं कि वो अपने आप में एक आर्ट है. सो आई थिंक इन जस्ट लाइक एन आर्ट फॉर्म इन इटसेल्फ, इट्स सो गुड. हाँ, मैंने बहुत कम पिक्चरें खरीद रखी हैं यूट्यूब पे. उनमें से एक इंटरस्टेलर है. जब 4K में अभी भी रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं. साल में दो बार देखने की कोशिश करता हूँ उस पिक्चर को. मैं भी देख लेता हूँ. आई थिंक उसको रिपीट हैज अ रिपीट वॉच वैल्यू. हाँ, आई थिंक अभी हमने रिसेंटली देखी थी जब आपकी एलए ट्रिप हुई थी. तो राइट, सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ एलए में. मैं एक्चुअल में इंटरस्टेलर की मूवी के सेट पे थी. आई नो, आई रिमेम्बर वेरी. मेरा होटल. क्या तुम विश्वास कर सकते हो मैं कहाँ हूँ? मैं ऑफिस में हूँ यार. कहाँ है तू? एग्जैक्टली. सो मुझे क्योंकि मूवी इतनी पसंद है इसलिए मेरे तो गूज बम्स ही खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या है. मतलब आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एट द सेट ऑफ व्हाट इज द नासा सेंटर शोन इन द मूवी. सो दैट वाज लाइक अमेजिंग. सो जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, दैट इज अ होटल दैट दे कन्वर्टेड इनटू व्हाट लुक लाइक द नासा सेंटर. बट इट इज अ वेरी फेमस होटल इन एलए. और तुझे पता नहीं था? मुझे पता नहीं था. तू तो कंपनी के काम से गई थी. But I, there is, if there is one takeaway from this whole discussion, that is, if you haven't seen Interstellar, watch it. Watch it. If you have seen Interstellar, also watch it again. Yeah. It is, I think it would be right to say ki hum dono ki favorite movie hai. Absolutely. एक discussion को वापस से मैं black hole पे एक चीज पे लेना चाह रहा हूँ. तूने मेरे को बोला जो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया. तूने एक चीज बोली थी कि ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि उस पर टॉर्च से लाइट मारो तो लाइट गायब हो जाएगी. मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रही थी तू. तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ब्लैक होल की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि जो लाइट है, जो समझ लो स्टार सन से जो लाइट ट्रैवल करके अभी हमारे अर्थ तक आ रही है, हमारे जो आंखों में भी पड़ रही है, जो मुझे जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सब देख सकती हूँ, लाइट इटसेल्फ ज्योति, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चली जाती है और वो वापस नहीं आती निकल के. अदरवाइज हमारी देखो हमारे हमारे ब्रह्मांड की, हमारे यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी है, वो है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. कि अगर आप लाइट को कहीं अपने अर्थ से हम फेंकेंगे बाहर तो स्पेस में कुछ नहीं है तो वो सीधी सीधी चलती जाएगी. हाँ, मतलब तू समझ, मैंने टॉर्च ऑन की तो लाइट सीधी जाती है. मैंने यहाँ से टॉर्च ऑन की तो ऐसे तेरे नाक पे निशाना मार के तो तेरे नाक पे पड़ेगी. ऐसा नहीं कि ऐसे. ये हम प्रॉपर्टी जानते हैं, हमने अर्थ पे बहुत हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हैं तो गाड़ी की लाइट्स सीधी पड़ती हैं. परपेंडिकुलर नहीं हो जाती. और अगर कुछ आगे आ जाए उस लाइट के तो फिर आगे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की वजह से. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लाइट के बारे में हम जानते हैं. ठीक है, सो फार सो गुड, आई अंडरस्टैंड. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो व्हाट हैपेंस इज ग्रेविटी इज वन फोर्स हाउएवर which can bend light also. तो gravity की वजह से इनफैक्ट हमारा सन इतना मैसिव है कि अगर सन के पीछे से कोई लाइट आ रही होगी तो वो हम पे सीधी सीधी नहीं आएगी, वो सन उसको बेंड कर देगा और फिर जहाँ पे भी हमारे अर्थ पे पड़ेगी वो पड़ेगी, वो मतलब अपनी तरफ बेंड कर देगा.
जैसे मान ले ये सन है करेक्ट, और मैंने ऐसे लाइट मारी तो लाइट ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी. तो ग्रेविटी अट्रैक्ट्स, सो लाइट को भी वो अट्रैक्ट कर लेती है. तो ग्रेविटी इतना पावरफुल फोर्स है, बट ऑल्सो इट्स ऑल्सो पावरफुल वेन द मास और द मैटर, जो हम पहले बात करते कि जितना बड़ा मैटर या जितना बड़ा मास स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ग्रेविटी स्ट्रांग होगी, और जितनी ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वो लाइट को भी अपनी तरफ बेंड कर सकती है. तो कमिंग बैक टू ब्लैक होल्स, अ ब्लैक होल क्योंकि इतना, इट्स अ छोटा स्ट्रक्चर इन साइज, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स मैटर, मैटर मतलब मास. मुझे याद नहीं है पर आई थिंक अगर एक चम्मच हम ब्लैक होल का उठा सकें तो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, लाइक इट्स ग्रेटर देन, हम उठा नहीं पाएंगे इतनी भारी हो जाएगी. इट इज ग्रेटर देन आई थिंक द मास ऑफ आवर अर्थ, प्लैनेट अर्थ. एक चम्मच भर ब्लैक होल हमारी धरती से भारी है, मतलब मैं समझ गया तेरी, मुझे पता नहीं है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग, नहीं नहीं, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि इतना भारी होता है. सम ब्लैक होल्स आर सो मैसिव, मैसिव मतलब हमें पहली इमेज ही आती है कि मैसिव मतलब बड़ा होगा, नहीं, साइज अलग चीज है और मास अलग चीज है. तो ब्लैक होल का मास मतलब उसके मैटर, जो उसके अंदर पदार्थ है, वो इतना ज्यादा है और वो इतना डेंसली पैक्ड है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि अगर लाइट उस पर तुम थ्रो करोगे तो वो लाइट उसके अंदर समा जाती है, वो ट्रैवल ही नहीं करती उसके बियॉन्ड. और जहां पे वो समाती है उसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, मतलब उस होराइजन, होराइजन मतलब जैसे हम अपने अर्थ पे देखते हैं कि होराइजन होता है, राइट, जहाँ से सन आ रहा है और सन जा रहा है, सन नीचे चला जाता है, हमें लगता है कि होराइजन है, पर एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से हमें दिखता है कि एक लाइन है, उस लाइन के नीचे जा रहा है सन. हाँ, मतलब हमें दिखता है कि ऐसे सन नीचे जा रहा है, टेक्निकली सन नीचे नहीं जा रहा होता है, होता क्या है, हमारी धरती ऐसे 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 घूम रही है, सन तो उधर ही है ना, हमारी धरती ऐसे 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 होती है, तो हमें दिखता ऐसा है कि सन ऐसे 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 जा रहा है, करेक्ट, जबकि सन वैसे ही है, हमारी धरती यूं घूम रही होती है. तो होराइजन हम टर्म यूज करते हैं उस लाइन के लिए जो इन आर सेंस, मतलब इन आर, ऑन आर अर्थ इट्स एक्चुअली एन इल्यूजन, इट्स नॉट देयर, क्योंकि अर्थ तो कंटिन्यूस गोल है, तो तुम चलते रहोगे तो चलते ही रहोगे, वापस आ जाओगे उस जगह पे. बट अगर कोई होराइजन हो सकता, समझ लो कोई, समझ लो एक टेबल है, ये टेबल की एज है, इस टेबल की एज के बियॉन्ड तुम्हें पता है कि कुछ भी जाएगा, कुछ यहाँ से ऐसे फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगा, करेक्ट. ऐसे ही ब्लैक होल्स में एक ऐसा होराइजन है, एक ऐसी बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड अगर कुछ चला जाए तो वापस नहीं आता है, उस होल में चला जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ अ ब्लैक होल, फ्रॉम वेयर नो वन और नोबडी और नथिंग कम्स. पर ये तो बहुत अजीब चीज़ है, तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, ऐसे कैसे कोई चीज़ उसके किसी होल में, पहली बात तो होल कैसे है और उस होल में चीज़ चली जाती है, वापस नहीं आती, क्या है ये? तो इसमें भी काफ़ी रिसर्च किया है साइंटिस्ट ने कि क्या है ये अद्भुत चीज़. मुझे तो द्योतक लग रहा है थोड़ा, सही में है इसके सबूत हैं ब्लैक होल के? देखो आज के डेट में हमारी गैलेक्सी एक ब्लैक होल के आगे पीछे घूम रही है, हमें पता है फॉर अ फैक्ट. हमारे पास इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैक्ट, ये तथ्य है, तथ्य है, इतने पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी धरती के आगे पीछे घूमते रहते हैं, सैटेलाइट्स. तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एक बड़ा अच्छा टेलीस्कोप है, उसको हबल स्पेस टेलीस्कोप बोलते हैं, जिसका काम सिर्फ एक काम है, हमारे स्पेस के अंदर पिक्चर्स लेना. जैसे हम अपनी फोटोज लेते रहते हैं, सेल्फीज लेते रहते हैं, ऐसे ही हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट छोड़ा हुआ है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसका सिर्फ एक काम है पिक्चर्स लेना. हमने हवा में कैमरा छोड़ा हुआ है बेसिकली. हमने कैमरा छोड़ा हुआ है. अब देखो मैं वो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि उसके थ्रू हमने इतनी पिक्चर्स ले लिए हैं दैट वी अंडरस्टैंड हाउ द स्पेस इज लाइक, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर इन आर स्पेस. सो देर आर स्टार्स, देर आर गैलेक्सीज, देर आर ब्लैक होल्स. सो वी हैव सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, हबल स्पेस टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे हमारे पास बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जो हमें दिखता भी नहीं है हम उसको भी, उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम दिखता, मतलब हम नेकेड आई से या फिर कैमरा से नहीं देख सकते, बिकॉज इट्स नॉट विजिबल लाइट. ब्लैक होल फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है
जहाँ पे विजिबल लाइट भी कैसे जाए, वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट ही खा गया एग्जैक्टली वो एब्जॉर्ब कर रहा है. तो लाइट, हमको कोई चीज देखनी होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करनी होती है उससे. जैसे माइक मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट इस पे पड़ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे आ रही है. एग्जैक्टली तो ब्लैक होल लाइट ही खा जाता है. हाँ, तो हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से ये पता कर पाए कि ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर जिसके अंदर लाइट जा रही है पर कुछ आ नहीं रहा है. लाइक हमें पता है कि वो घप गायब है वहाँ पे. तो इनफैक्ट रिसेंटली एक पिक्चर ली गई थी हमारे एक मैसिव ब्लैक होल की, हमारे गैलेक्सी के सेंटर का जो ब्लैक होल है उसकी पिक्चर लेने की ट्राई की कोशिश की गई थी. हाँ, तो आई थिंक ओके गूगल शो पिक्चर्स ऑफ ब्लैक होल. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि खा गया इसको ब्लैक होल. ओके गूगल शो वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स एक्सप्लेन कुड्जगास्ट इन अ नटशेल. दिस चैनल इज एक्चुअली वेरी गुड. इफ एनीवन्स लिसनिंग, इफ दे वांट अ गुड चैनल इन इंग्लिश, इंग्लिश में समझाते हैं ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें. हम जैसे बातें कर रहे हैं उसी तरह की चीज़ों की बात करते हैं. देर इज अ रीजन वाई दिस रिजल्ट इज नंबर वन. दे मेक ब्रिलियंट चैनल. आई डोंट बिलीव आई हैव सीन दिस वन. शायद 6 मिनट का वीडियो ब्लैक होल्स एक्सप्लेन फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो इसके बारे में धमाकेदार शुरुआत से शानदार मौत तक. इनफैक्ट एक नाम लोगों ने सुना होगा जिसके पर एक मूवी भी बनी थी, एक पर्सन पे, जिस मूवी का नाम है थियोरी ऑफ एवरीथिंग, और पर्सन था स्टीफन हॉकिंग. सो स्टीफन हॉकिंग ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने अपनी एक्चुअल में लाइफ रिसर्च या अपनी फिजिसिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, कोई ना कोई अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है और उस पर रिसर्च करते हैं. ही टुक ब्लैक होल्स एज हिज टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड ही एक्चुअली हैड लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन हाउ अ ब्लैक होल फंक्शंस. कि ब्लैक, और मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी पर ये बहुत अच्छी चीज है. मुझे ये पता नहीं था, मेरे को स्टीवन हॉकिंग का नाम सुना हुआ था. मुझे इतना पता है कि वो बड़े दिग्गज साइंटिस्ट माने जाते हैं. बड़े सिंपल सी अगर भाषा में बताऊं विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, क्या स्टीवन हॉकिंग ने फिगर आउट किया था, वो ये किया था कि हमें अब तक ये पता है कि ब्लैक होल में कुछ भी जाएगा तो वापस नहीं आता निकल कर. कुछ भी नहीं आता, लाइट भी नहीं आती है, लाइट मारोगे तो ये खोज स्टीफन हॉकिंग ने की थी. नहीं, ये पता था. स्टीफन हॉकिंग ने ये खोज की और ये लॉजिकल डिडक्शन की, जो हम पहले बात करते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन भी की जा सकती हैं किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी फिनोमेनन पे. तो स्टीफन हॉकिंग ने ये थियोराइज किया, ये थियोरी दी कि ब्लैक होल्स में सब कुछ नहीं जाता है. देर इज समथिंग, सम थिंग्स दैट एस्केप ब्लैक होल. और वो क्या है, हम पहले हमने एपिसोड में जिक्र किया था क्वार्क्स का और प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, राइट? कि फंडामेंटली एटम्स जो हैं ये न्यूक्लियस से बने हैं और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर भी क्वार्क्स हैं जिससे वो बने हैं. तो स्टीफन हॉकिंग का मानना ये है कि जब कोई भी चीज़ वो उस होराइजन से अंदर जा रही होती है, समझ लो ये होराइजन है और इसके अंदर जा रही है, जब वो अंदर जा रही होती है तो एटॉमिक स्केल पे कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर चले जाते हैं उसके, लेकिन जैसे ही वो टूटते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाता है क्योंकि उनके अंदर भी तो फोर्स चल रहा है जो उनको बॉन्ड करके रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसके हमने बारे में जिक्र किया था. सो स्टीफन हॉकिंग ने ये थियोराइज किया था कि कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो एटॉमिक स्केल पे जिगल कर रही हैं कि जब वो उस इवेंट होराइजन तक पहुंचती हैं तो वो एस्केप कर जाती हैं उस इवेंट होराइजन को वो, लेकिन कुछ बाकी तो चला जाता है जो मैटर, जो मोटा मोटा मैटर है, बट बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, सब एटॉमिक मतलब एटम से भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन से पार्टिकल्स एस्केप करते हैं, बट कुछ चीज़ एस्केप कर जाती है जिसको स्टीफन हॉकिंग ने नाम दिया था, लोगों ने नाम दिया था हॉकिंग रेडिएशन. अच्छा, उसी के ऊपर नाम दे दिया. हाँ, आई सी. सो दैट इज हॉकिंग रेडिएशन.
ओके, मतलब थोड़ा सा मेरे ना ये तो पल्ले के बाहर है, मेरे भी मतलब मैं मोटा मोटा बताती हूँ, दैट्स व्हाट द थिंग इज. तो वेरी कहना चाह रही है कि स्टीफन हॉकिंग प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उसने एक रेडिएशन की खोज की थी जिसे हॉकिंग रेडिएशन, जिसको हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं. आई सी. अब तो शायद स्वर्गवास हो गया स्टीफन हॉकिंग. ही इज पास्ड अवे. आई थिंक ही गॉट, आई डोंट नो इफ ही हैज. सो होता क्या है, साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते हैं, फिर कई साइंटिस्ट होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट बोलते हैं, वो क्या करेंगे अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि एक्चुअल में ब्लैक होल में देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो मे बी यू नेवर नो, वन डे विल एक्चुअली नो दैट जो ये स्टीफन हॉकिंग ने जो हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया था वो एक्चुअल में है. देन प्रॉब्ली विल नो समथिंग मोर अबाउट ब्लैक होल्स. सो फार वी नो जस्ट दिस. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दैट यू मेंशन इट, मेरे दिमाग ऐसे चल रहा है कि मतलब साइंस में कुछ ना कुछ खुराफातें चलती रहती हैं. कोई थियरी दे देता है, फिर लोग लग जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने, फिर उस एक्सपेरिमेंट से शायद कुछ ऐसी चीज निकलती है कि भाई तुम्हारी थियरी तो गलत थी बट ये देखो नई थियरी निकल के आ रही है. एग्जैक्टली. हो सकता है कि एक्चुअल में कुछ और ही चल रहा हो क्योंकि ये तो थियरी है. एक्सपेरिमेंट जब किए जाएंगे उसको प्रूव करने के लिए तो कई बार चीजें अलग ही निकलती हैं कि वो कुछ रियलिटी में कुछ अलग चल रहा है. सो आई ऑलवेज से रियलिटी इज more, you know, fascinating. Stranger than fiction. It's, yeah, yeah, that's what I was about to say. Reality is stranger than fiction. So that's no, but what I think you had a Freudian slip. You were about to say something else, which I think is even more profound. Reality is more fascinating than fiction. Yeah, I was actually about to say. It is stranger as well, but I think it is also more fascinating. Fascinating than fiction. But still, I love fiction as well. Interstellar. And reality is this that we just know there are black holes. They do. They are fascinating. They are mysterious also at the same time. Wow, yeah. मेरे को बहुत मजा आया. They are quite fascinating indeed. So, can I take 2 minutes and summarize what you have said so far? Yes, yes. So, again, if we go backtrack, यहाँ पे हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, एक धमाकेदार शुरुआत जिसे बिग बैंग बोलते हैं. बिग बैंग के साथ बहुत सारी चीजें हुई, गट्टे बनने लगे, lumps. क्वार्क्स से बने प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइप, इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए, हाइड्रोजन बन गए, हाइड्रोजन फ्यूज होने लग गए तो तारे बनने लग गए, हीलियम फर्स्ट स्टार्स बनने लग गए. पर ये जो तारे बनते हैं इनकी पूरी जो जीवन शैली है उसमें कुछ 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 कारनामे चलते रहते हैं. तो कई तारे हैं जो कि मरते हैं तो वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, कई तारे हैं जो मरते हैं इतनी शानदार मौत होती है उनकी, उनको बोलते हैं सुपरनोवा. और उस सुपरनोवा से निकलते हैं हमारे जितने बड़े हैवियर एलिमेंट, जो ये तेरी gold. सोने की अंगूठी या किसी के पास कुछ भी सोने की ज्वेलरी है अगर सिल्वर, तो ये मान के चले कि वो किसी सुपरनोवा से फटके निकली और धरती में आई exactly. है. इनफैक्ट ना सिर्फ सोने की अंगूठी बट हमारे शरीर के जो पुर्जे हैं वो कई सिर्फ इन हैवियर एलिमेंट्स की वजह से चल रहे हैं. बिल्कुल. तो एक असंभव चीज ये थी कि ये तारे बने और ये तारे बन के फटने लग गए. अगर ये ना बनते और ये ना फटते तो आज हम इधर ना होते. पर कई बार सुपरनोवा इतना तगड़ा हो जाता है, या सुपरनोवा नहीं शायद ग्रेविटी इतनी तगड़ी होती है कि एक तारे का कोलैप्स होना कैसे होता है, जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है बीच में तो दो हमेशा एक संतुलन रहता है. जैसे बीच में विस्फोट हो रहे हैं उसकी वजह से भारी फोर्स होता है, ग्रेविटी का अंदरूनी फोर्स होता है. तो भारी फोर्स तो बंद हो गया क्योंकि ईंधन खत्म हो गया, तो ग्रेविटी का फोर्स इतना तेज हो जाता है कि वो कोलैप्स हो जाता है. कई बार जो बहुत भारी तारा होता है वो जब इतना तगड़ा कोलैप्स होता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है. वो ब्लैक होल दुनिया की सारी सबसे अद्भुत चीज लग रही है मुझे तो एकदम, मतलब माय माइंड इज ब्लोन. उससे हमारी गैलेक्सीज बने, सबसे बड़े उससे हमारी गैलेक्सीज बने जिसे शायद आकाशगंगा कहते हैं. पता है? हमारी गैलेक्सी का. हाँ. हाँ तो वो गैलेक्सीज वो चीज होती है जिसके इर्द गिर्द सारे तारे वैसे घूमते रहते हैं जैसे किसी बाल्टी के अंदर अगर आप बहुत जोर से पानी को फिराने लग जाओ तो कैसे पानी चारों तरफ घूमने लग जाता है, वैसे ही ब्लैक होल के. तो ब्लैक होल अगर नहीं होता तो हमारी गैलेक्सी ना होती, हमारी गैलेक्सी ना होती तो हम ना होते. तो बेसिकली तूने बताया कि जो तारे हैं विभिन्न प्रकार के तारे, अलग अलग तरीके के तारे, इनकी इनके पैदा होने से इनके मरने तक कुछ ना कुछ चलता रहता है और कुछ ना कुछ निकलता रहता है. और किसी दिन आगे जाके हम भी आएंगे वहां पे. तो would that be a good summary of so the star is a star is born but as when a star dies also it has a longer impact, similar to like these all great people let me know. abhi hamari life mein hum kitne mahan purushon ko jante hain,
वो भी कभी पैदा हुए थे, वो मर गए, पर उनका लास्टिंग इफेक्ट अभी भी देखा जा सकता है. आई थिंक उसी तरीके से ही है. दैट्स वेरी प्रोफाउंड एक्चुअली. दोज आर वर्ड्स ऑफ विजडम. यू आर राइट एक्चुअली. हाँ, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू मेड दैट एनालॉजी ऑफ तारे विथ ह्यूमंस. आई लाइक दिस कि ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही चल रहा है. क्या पता कुछ होता हो, तारे हमें गाइड करते हो. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इनटू. But it's a nice comparison. Ha, I like because it. Because it's true for both. For stars as well as for humans. If we do something great, to aapka impact aapke marne ke baad bhi rehta hai. Maybe there was some wisdom behind, you know, humare taron ke piche itna culture hai. Matlab har culture mein. Matlab humare purvajon ne taron pe bahut. Main kai baar ye bhi sochta hoon ki जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी क्या मोमबत्ती नहीं आई आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, रात को टीवी तो होते नहीं थे. तो इंसान करता क्या? एंटरटेनमेंट तो तभी चाहिए होता होगा, तो तारे ही देखता होगा. और एक बार याद है हम कैंपिंग पे गए थे, तो मौका ये लगा, कैंपिंग ऐसी जगह थी जहाँ आस पास हजारों किलोमीटर तक शायद कोई, हजार तो नहीं, 100 किलोमीटर तक कोई लाइट सिटी नहीं, लाइट सी. तो हमने स्टार गेजिंग की थी. Perhaps was the most magical night of my life because I saw something for the first time. Ki exactly. It's amazing. Just amazing. No? Just amazing. Very meditative, but at the same time, you know it's for real. You're seeing something which is actually out there. So, I think it is... Should we take our telescope out for a spin tonight? I'm up for it. Okay. चलो, that's a good note to end on. So, हमारी story तारों से तारों तक आ चुकी है. I am very, very, very excited to know कि अब हम कहाँ जाएंगे. तो can you maybe give me a slight glimpse of ये कहानी कहाँ जाने वाली है? तो हमने अभी तक, I think काफी चीजें ऐसी बना ली हैं अपने ब्रह्मांड में, जो अब हमारी अर्थ या हमारे जितने planets हैं उनको बनाने के काम आएंगी. तब हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे कि हमारा प्लैनेट अर्थ कैसे आई. ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके, अगेन इफ एनीवन इज वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड होपफुली यू एंजॉयड दिस डिस्कशन एंड लर्न समथिंग टुडे. प्लीज डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स इफ यू डिड. राइट, इवन इफ यू डिडंट प्लीज लेट अस नो, इट वुड बी नाइस. ओके, थैंक यू, बाय बाय.